लॉरेंस कुछ कहना चाहोगे? बड़े बड़े मामले में तुम्हारे नाम आ रहा है। बाबा जी गोली मारकर हत्या कर दी गई। क्या लगता है 90s का लॉ एंड ऑर्डर महाराष्ट्र जो है गैंग वॉर फिर से आ रहा है मुंबई में? आपको देखिए, मुंबई में पहले गैंग वॉर जरूर होता था और गैंग वॉर बाद में खत्म कर दिया है। आज का जो गैंग वॉर है वो सरकार में चल रहा है गैंग वॉर, इसकी वजह से हत्याएं हो रही है। सरकार में जिस तरह से गृह मंत्रालय चल रहा है, इतना निष्क्रिय और बदनाम गृह मंत्रालय महाराष्ट्र ने कभी देखा नहीं। महाराष्ट्र में गृह मंत्रालय की एक बहुत अच्छी परंपरा रही है, लॉ एंड ऑर्डर की परंपरा रही है। इसीलिए तो मुंबई जैसे शहर में बड़े बड़े उद्योग आते रहे, क्योंकि यहां के लॉ एंड ऑर्डर हमेशा से ठीक ठाक रहे। कल जो हत्या हुई है बाबा सिद्दीकी, जो महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री है, बहुत साल विधायक रहे, आज भी उनका बेटा विधायक है, शायद हमारे पार्टी में नहीं हो लेकिन हमारे साथी रहे, अच्छे आदमी थे, तो उनकी हत्या ऐसी तरह से होती है जिनको सिक्योरिटी है, वाई स्टेटस की सिक्योरिटी है और उनकी हत्या होती है, उसका मतलब क्या है? हत्या का पीछे कारण कुछ भी हो लेकिन हत्या हो गई है तो आपका फेल्यूर है, मुख्यमंत्री का फेल्यूर है। आपने जिस तरह से अपने पुलिस दल का गुनेगारीकरण किया है आपके स्वार्थ के लिए, कलेक्शन के लिए, हाँ, पुलिस का इस्तेमाल जिस तरह से होता है, तो ये उसका नतीजा है कि कानून का डर नहीं रहा, पुलिस का डर नहीं रहा, दिन दहाड़े कभी भी पब्लिक प्लेस पर हत्याएं होते जा रही है। उसमें आप राजनीतिक कार्यकर्ता, राजनीतिक नेता, मंत्री, विधायक भी नहीं छूट रहे। अब तक मैं ये कहता रहा हूँ, हम ये कहते रहे हैं भाई कि गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस बुरी तरह से फेल्यूर है, उनको इस्तीफा देना चाहिए, लेकिन बात आगे बढ़ चुकी है। अब इस्तीफा नहीं, राज्यपाल ने, गवर्नर ने हस्तक्षेप करके देवेंद्र फडणवीस को गृहमंत्री पद से हटाना चाहिए। राहुल साहब, बाबा सिद्दीकी और सलमान खान की दोस्ती थी, हालांकि दिनों में दिख रहा है कि बिश्नोई गैंग सलमान खान के पीछे पड़ा है, तो क्या लगता है? कोई भी किसी के पीछे पड़े उसका मतलब ये नहीं कि दिन दहाड़े हत्या हो। अगर हत्या होती है तो उनकी जिम्मेदारी गृह मंत्रालय की है। उसका मतलब मुंबई में गुंडागर्दी चल रही है, मुंबई में गैंग्स ऑपरेट हो रही है और पुलिस निष्क्रिय है। इसलिए कि जो पुलिस, चाहे डीसीपी हो चाहे एडिशनल सीपी, जो मुंबई में लाकर बिठाए हैं, वो एकनाथ शिंदे के गैंग के मेंबर्स हैं। सर, महाराष्ट्र की घटना की बैठक है, क्या पत्र जारी हो सकती है? देखिए, आज हम नहीं करेंगे, इसलिए कि बाबा सिद्दीकी का जिस प्रकार की आज दुखद घटना हुई है, उसी इलाका में हम आज मिलने वाले थे बैंड्रा में, तो हम मीटिंग नहीं करेंगे, लेकिन हम जरूर प्रेस को संबोधित करेंगे और लॉ एंड ऑर्डर के बारे में बात करेंगे।